इतनी महंगाई हो गई है कि इंसान का जनजीवन बेहाल हो गया। इंसान सोचता है कि हम करें तो क्या। लगातार महंगाई जो है बढ़ती जा रही है। आज डीजल पेट्रोल का जो दाम है 100 का आंकड़ा पार कर चुका है, लेकिन लगातार किसान आज हताश है। आज डीजल का दाम 100 रुपया, पेट्रोल का दाम 100 रुपया। लापरवाही देखते हुए इतना विधानसभा के कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। नमस्कार, मैं ब्रजेश पांडे और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। आज हम बात करेंगे यूपी सरकार के कार्यकाल को लेकर के। यूपी सरकार का कार्यकाल जो 4.5 वर्षों का पूरा हो गया है। यूपी सरकार ने जो अपनी एजेंडा कायम किया है चुनाव से पहले, सरकार बनने के बाद सरकार की जो योजनाएं हैं धरातल तक पहुंची या नहीं पहुंची, आज हम इस चीज़ को जानने के लिए पहुंचे हैं। जो करवा चौराहे पर यहाँ हमारे साथ मौजूद है भैया, उनसे हम बात करेंगे। क्या सरकार ने जो इस तरीके से महंगाई को इतनी चरम सीमा पर बढ़ा दिया है, चाहे वो खाद्य सामग्री को लेकर के हुआ हो या रसोई गैस को लेकर, क्या देखा गया है कि जो महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं, उनके घर के चूल्हा जो ठंडा पड़ गया है इस महंगाई को लेकर के, तो थोड़ा हम बात करेंगे भाई से। भैया, यूपी सरकार का जो व्यवस्था था 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया, उसको लेकर के सरकार, जब महंगाई इतनी बढ़ गई है चाहे डीजल हो पेट्रोल हो, क्या उस चीज़ के लिए आप लोग संतुष्ट हैं? सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल तक पहुंची नहीं, बीच में जो दलाल हैं वो खा लेते हैं। जो सरकारी योजना लगाती है वो योजना पता नहीं कहां जा रहा है धरातल तक। तो बिल्कुल यहां जो किसान है, नौजवान है, युवा सब परेशान हैं। और महंगाई की तो ये बात है, महंगाई इतनी चरम सीमा पर पहुँच गई कि डीजल का तो आप दाम देख ही रहे हैं, पेट्रोल इतने ऊंचाई स्तर पर पहुँच गया है, और घर की सामग्री जैसे जो हर घर में सबको ज़रूरत होती है, कोई भी आदमी हो हर जगह पहुंचता। इतनी महंगाई हो गई है कि इंसान का जनजीवन बेहाल हो गया है। इंसान सोचता है कि हम करें तो क्या करें। इतनी महंगाई बढ़ गई है कि भाजपा सरकार में ये सरकार पता नहीं क्या चाहती, इसका एजेंडा क्या है, ये कुछ सोच ही नहीं पाती है। या तो एकदम धरातल पे इनको उतर के हर एक चीज़ को जानना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब वहाँ ये भाजपा के दलाल बैठे हैं, अब सब खा पी के सब मस्त हो जा रहे हैं, कुछ धरातल तो पहुँचता ही नहीं है। जैसे अभी देखा गया कि यहाँ जो गौ आश्रय की व्यवस्था सरकार करती है, सड़कों पर पशु जो है मौके पर लाइन से बैठे हुए हैं, पशुओं की व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही है, उसके बारे में क्या कहें? बिल्कुल बेहाल है। अभी हम कल आ रहे थे गाड़ी से इटवा से, और उसके बाद में गौशाला बना है, गौशाला में छः गाय मरी पड़ी थी। उसके बाद में वहाँ पे जो है जेसीबी बुलवा करके गड्ढा खुदवा करके 6 गाय को दफना दिया गया। किसी और रोड पे रहती है, किसी का सिंग टूट जाता है, किसी गाय को ट्रक चढ़ा के चला जाता है। इतनी परेशानी है, इंसान को तो छोड़ ही दो, गौ माता भी बहुत परेशान है इस सरकार से। हमारे साथ एक किसान परिवार से जुड़े हैं, चाचा नाम क्या आपका? हरी राम। देखा गया है कि किसान रात भर जा करके जो है पशुओं की जो है रखवाली करता है, रात भर व्यक्ति अपने घर पे नहीं सो पाता है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? तार लगाए तभी कूद जाते हैं, रात भर सोने नहीं मिलता है। सरकार की इस योजना से क्या आप संतुष्ट हैं? नहीं, कुछ बहुत परेशानी है, रात भर जगह तो यार गौ मरत ही, कुआं बीज करत ही, फाटक बीज करत, सिंह सिंह जाता है, तार से फट जाता है। यूपी सरकार से आपको कोई लाभ दिखाई दिया? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं है, सेवाएं नुकसान हान के। इस बार सरकार किसकी बनेगी? अब तो परमात्मा जाने, बता नहीं सकते, भाभी जाने। तरह से आप देखा गया है कि जनता से बात करने के बाद पता लगा कि यूपी सरकार जो है जिस तरीके से अपनी एजेंडा को जारी किया था, जनता तक उनके हक को पहुंचाने के लिए आम लोगों से बात किया गया, यहाँ के जनता से बात किया गया, लोगों ने स्पष्ट बताया कि आने वाले समय में यूपी सरकार को अपनी कमियों को लेकर के कुछ ना कुछ हानि अवश्य होगा। यहाँ तक कि देखा गया है कि आजकल राजनेताओं का दौरा जिला मुख्यालय स्तर पर जारी हो गया है,
नेताओं लगातार मुख्यालय पर आना प्रारंभ कर दिए हैं, सरकार की योजनाओं को बताने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए प्रारंभ कर दिए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो कमियां दिखाई गई है, आम जनता के द्वारा जो पूछा गया है, जिस तरीके से लोगों ने बताया कि सरकार का जो रवैया, चाहे महंगाई हो चाहे बेरोजगारी हो, इस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार अपनी कमियों को छिपाने में लगी है। महंगाई के बारे में आप क्या कहेंगे? महंगाई तो चरम पर है, फिर भी सरकार हमारी सही चल रही है। राशन फ्री में मिल रहा है सब लोगों को, गल्ला फ्री में मिल रहा है, गैस सिलेंडर फ्री में मिल रहा है, और वृद्धा पेंशन भी हमारे सब सरकार से बेहतरीन मेरी सरकार बीजेपी, क्योंकि इस समय मोदी योगी के शासनकाल में आवास शहरी विकास की योजना के तहत, ग्रामीण विकास के तहत सबको, सभी गरीबों को आवास मिल रहा है, और सब लोग पा चुके हैं, और सब लोग जो आने वाले 2022 में योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार 24 में रहेगी। सरकार की जो योजनाएं थी, सरकार का जो एजेंडा था, क्या वो धरातल तक पहुंचा? क्यों नहीं पहुंचा, घर तक पहुंचा। सरकार के द्वारा लिखा गया गौ आश्रित पशुओं के लिए व्यवस्थाएं कराई गई हैं, लेकिन आज भी देखा जा रहा है कि जो पशु हैं सड़कों पर घूम रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? हमारे जो यहाँ राघवेंद्र जी का जो है वहाँ गौशाला बना हुआ है, और हमारे जो सचिव बेसिक शिक्षा मंत्री जी के यहाँ है, जो पेड़ारी में था, वो सब गाय खोल खोल के सब लोग हाथ लिए, सब लोग किसान परेशान हो रहे हैं, सब लोग रात दिन दौड़ रहे हैं, मर रहे हैं, मतलब कोई सांप काट ले या कुछ कोई कुछ कोनो बात हो जाए तो उसका जिम्मेदार सरकार थोड़ी है, हम सब लोग जिम्मेदार हैं, हम सब लोग ही गाय छोड़ रहे हैं सरकार की। क्या सरकार तो अपना बता दिया, निर्धारित कर दिया कि हमारी जिम्मेदारी है कि हाँ गऊ कहीं जाए या नेपाल में जाए या नहीं जाए, यहाँ गऊ माता सुरक्षित हैं या नहीं है, लेकिन यहाँ का जो गौशाला पिराड़ी का है वहाँ एक भी गाय नहीं है, बल्कि जो गौशाला है, गौशाले में भूसा आता था तो भूसा का पैसा वहाँ के प्रधान खा लिए। इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? इसका जिम्मेदार हम बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी को मानते हैं कि लापरवाही देखते हुए तो विधानसभा के कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, और इस समय उनके जो एजेंट हैं, एजेंट लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं कि पेड़ी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब लोग गाय परेशान है, किसी का पैर टूट गया गाय का, किसी का खुर कट जाता है, गाड़ियों से रोड पे बहुत झुंड रहता है, किसान लोग परेशान, आने वाले समय पे दुर्घटना होती है, बार बार सब लोग दुर्घटने में वो हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। यूपी सरकार का 4.5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया है, क्षेत्रीय नेताओं का ग्रामीण अंचलों में चलना प्रारंभ हो गया है, जो क्षेत्रीय नेता हैं जनता को लुभाने के लिए तरह तरह की योजनाओं को लाने के लिए बता रहे हैं। तो हम बात करेंगे महंगाई को लेकर के, यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या सरकार के द्वारा जो एजेंडा कायम किया गया था, एजेंडा का जो कार्यकाल था, एजेंडा जो सरकार के द्वारा लाया गया जनता तक पहुंची या आधे रास्ते तक समाप्त हो गई, इस चीज़ को लेकर के यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम देवेंद्र प्रताप सिंह है। महंगाई को लेकर के आप देखिए, महंगाई इस समय बहुत चरम पर है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में और केंद्र में बनी है, लगातार महंगाई जो है बढ़ती जा रही है। आज डीजल पेट्रोल का जो दाम है 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। देखिए लगातार किसान आज हताश है। आज डीजल का दाम 100 रुपया, पेट्रोल का दाम 100 रुपया, गिट्टी मोरंग का दाम भी बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार में बढ़ा है। आज महंगाई से किसान, नौजवान, व्यापारी, छात्र सब हताश है, निराश है, और इस महंगाई को लेकर उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में परिवर्तन होगा और इस सरकार को इस महंगाई के मुद्दे पर हम लोग हटाएंगे। नाम क्या आपका? फतेहराम यादव। महंगाई को लेकर के देखा गया जो आज पशु सड़कों पर घूम रहे हैं, हाँ बहुत, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अरे उसके बारे में हम लोग बहुत परेशान, हम लोग फसल सब करते हैं और फसल कर देते हैं, हम लोग भर्ती लगाते हैं, इतना परेशान रहते हैं कि सरकार से हम लोग परेशान हैं। डीजल पेट्रोल इतनी महंगी हो गई है, लोगों का चलना मुश्किल हो गया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? महंगाई बेतहाशा बढ़ गई है और लोग बहुत परेशान हैं। जो डीजल और पेट्रोल 80 और 90 रुपए में मिलते थे वो 100 के ऊपर पहुँच गए, अब लोगों का जीना दूभर हो रहा है। इस सरकार में महंगाई एकदम बढ़ती जा रही है, सारे चीज़ों का
दाम बढ़ता जा रहा है, खाद्य पदार्थों का दाम भी बढ़ता जा रहा है, महंगाई से लोग त्रस्त हैं। क्या आने वाले समय में या उसके पहले जो सरकार थी उसके बारे में या आज के समय में महंगाई में क्या अंतर है? आज बहुत अंतर है, पहले महंगाई इतनी नहीं थी, सारे चीज़ों का दाम कम था, आज लगातार सारी चीज़ों का दाम बढ़ता जा रहा है, सरकार महंगाई पर नियंत्रण नहीं पा रही है। रसोई गैस के बारे में आप क्या बताएंगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए रसोई गैस जो है उसका मूल्य रेट 445 है, अभी 1000 रुपये का आंकड़ा हो गया है और इतनी महंगाई हो गई है और उसका सब्सिडी भी खत्म कर दिया गया है। आज हम जिस तरीके से बिस्कोहर चौराहे पर पहुंचे हैं, यहाँ हमारे साथ कई लोग मौजूद थे, यूपी सरकार के कारनामों को लोगों ने बताया, सरकार जिस तरीके से जनता तक वादा करने के बाद कोई व्यवस्था नहीं कर पाई, चाहे गौशाला को लेकर के हो या बेरोजगारी हो, डीजल की महंगाई हो, रसोई गैस की महंगाई हो, इससे तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो कमियां थी सरकार अपनी कमियों को छिपाने में लगी हुई है। लेकिन अब देखना ये है कि आने वाले समय में सरकार जनता सरकार को किस तरीके से अपना मत देती है या आने वाले समय में सरकार किसकी होगी, ये तो जनता के हाथ में हो गया है। एबी स्टार न्यूज़ से ब्रजेश पांडे, सिद्धार्थनगर।